क्रिसमस में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। हमें आज बड़े खुशी का दिन लगता है क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में हम बालक यीशु को दर्शन लेने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप सबको पता है प्रभु यीशु, बालक यीशु अभी हमारे घरों में, हमारे गांवों में, हमारे परिवारों में जल्दी आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु को अपने जन्म जयंती के अवसर पर स्वीकार करने के लिए केवल घर की साफ सफाई, रंगाई पोथाई तथा नए कपड़े परिधान करके हम बाल यीशु को अपने दिल में स्वीकार नहीं कर सकते, बल्कि रोज प्रार्थना, रोज पूजा बलिदान में भाग लेना तथा अपने पड़ोसी है उनसे रोज प्रेम से बात करना और साथ ही साथ हम आज तक जिन जिन से बातें नहीं कर रहे, दुश्मनी के रूप तौर पर हम जिनको जानते हैं उन्हें जाके क्षमा करके, उनसे प्यार करके, हम उनसे बातें करके प्रभु के पास लाना है और उन्हें क्षमा करना है, तभी हम प्रभु यीशु को अपने अंतकरण में स्वीकार कर सकते हैं। नए नए भारी भारी कपड़े, नए जूते और यह सब परिधान करते हुए हम बालक यीशु को क्या सही में स्वीकार करेंगे अपने में? नहीं। प्रभु ने कहा है, तुम अपने पड़ोसी से नहीं बल्कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, मैं वहां हूं। आज हमें एक छोटे बच्चे के समान होकर उन सभी परिवारों को एक साबित करना है कि हम सचमुच ख्रिस्तीय परिवार के एक सदस्य है, ख्रिस्तीय परिवार के एक मेंबर है। यह हमारे आचरणों द्वारा लोग हमें पहचानना चाहिए। केवल ये नहीं कि गले में बहुत बड़ी माला डाले और एक यहाँ पे क्रॉस लगाए और उंगलियों में एक बड़ी रोजरी की रिंग लगाए और हाथ में रोजरी पहनने से हमें कैथोलिक या क्रिश्चियन नहीं कहेंगे। आज कई सालों के बाद हमें एक बड़ा अजीब सा हादसा देखना पड़ा, वो है बहुत बड़ी महामारी COVID-19। किसी एक तत्वशास्त्र ने कहा कि आज धरती पर भाई भाई को मानने को तैयार नहीं, बहन बहन को मानने के तैयार नहीं, माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है और बच्चे माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम भूल रहे हैं, हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपने आप को खो रहे हैं। इसलिए शायद हो सकता है ऐसा ही किसी तत्व शास्त्र ने कहा है। तो आइए फिर से उस दिनों को हम याद करें और लौट के जाए कि मैं कहां हूं, मेरा परिवार कहां है, मेरे पड़ोसी कहां है, मेरे बुजुर्ग लोग कहां हैं, मेरा उनसे बर्ताव कैसा है, एक बाप का बच्चों से रिश्ता कैसा है, मां का अपने बच्चों से रिश्ता कैसा है, पति पत्नी का संबंध कैसा है, परिवार का गांव के लोगों से संबंध कैसा है, हमारे धर्म बहन और पुरोहित और धर्म भाई इनसे हमारा संबंध कैसा है, क्या सचमुच हम इन सभी से प्रभु को अपने जीवन का एक उदाहरण लेके या प्रभु को अपना एक नमूना लेकर उनको हम अपने जीवन द्वारा चर्चित करते हैं या नहीं। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम भी एक सचमुच एक ख्रिस्तीय जीवन जीने वाले व्यक्ति होना चाहिए, हमारे आचरण द्वारा सब लोग हमें पहचानना चाहिए कि सचमुच यह एक ख्रिस्तीय इंसान है, यह एक ख्रिस्तीय जीवन जीने वाला परिवार है, यह एक सचमुच सत्यता, प्रामाणिक और प्रेम का जीवन जीने वाला एक परिवार है। उस परिवार के रूप में हम आज सब मिलकर बालक यीशु का दर्शन करें और इस बालक यीशु के दर्शन के साथ साथ 25 तारीख को
हम ये भी प्रार्थना करें कि यह महामारी इस ख्रिस्त जयंती के साथ खत्म हो जाए। धन्यवाद। जय यीशु। बालक यीशु, आपकी स्तुति आराधना हो। आज आपके जन्मदिन के अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी के परिवारों में और हृदयों में आप शांति और नम्रता का भाव हमें फैला दे। ईसा मसीह, आज विशेष रूप से हम इस महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोगों की मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा शांति के लिए, जो लोग अस्पतालों में पीड़ित है और इस महामारी की वजह से जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी, उन सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आपके जन्मदिन के इस शुभ दिन के साथ आप उनके हृदयों में एक नई उमंग और रोशनी लेकर आए। हे ईश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप प्रेम, शांति और नम्रता के साथ जीवन में आगे बढ़े हैं, वैसे ही हम सब आपके सत्य और नम्रता के मार्ग पर आगे बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो आपके मार्ग से भटके हुए हैं, उनको आप सत्य और शांति का मार्ग दिखलाकर उन्हें अपने विश्वास में आगे बढ़ाए। हे प्रभु ईसा मसीह, इस खुशी के अवसर पर हम सभी के जीवन में आप खुशहाली और प्रेम का फैलाव कर दो। इस अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये महामारी आपके जन्म के आते ही खत्म हो जाए और सभी के जीवन में फिर से एक सुख शांति का और अच्छाई का जीवन हम सब अच्छे से आपके प्यार में और विश्वास में बिताए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आमीन। Jai 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 Jai
Jesus Christ,